जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में सोमवार की रात चुनावी रंजिश में दो भाइयों को बदमाशों ने घर से बुलाकर गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए, मगर तब तक आरोपी फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि 72 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बेलघाट कस्बा निवासी 32 वर्षीय संजय बेलदार और उनका छोटा भाई टिंकू का कई लोगों से चुनावी रंजिश हो गया था। बताया जा रहा है कि संजय भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ जो लोग चुनाव मैदान में थे वह उनसे रंजिश रखने लगे थे। पुलिस के मुताबिक इसी रंजिश में चुनाव में विरोध कर रहे लोगों ने सोमवार की रात में संजय को घर से बुलाया। कई लोगों को देखकर छोटा भाई टिंकू भी बाहर आ गया। दोनों को बदमाशों ने बातचीत के दौरान ही गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। गोली की आवाज पर आए लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार के साथ साथ गाँव में भी कोहराम मच गया है। एहतियातन गाँव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बेलघाट कस्बा छावनी में तब्दील हो गया है। संजय की गर्भवती पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्त को भी 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मृतक परिवार को शासन द्वारा अनुमन्य आर्थिक मदद दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, तो सर बीडीसी वाला ही मैटर है। आगे गोली मारते रहेंगे सर, बताइए आप लोग मतलब बता रहे हैं लोग उनके साथ फोन पे बैठे जी। हाँ यहीं से बड़े व्यक्ति उनको साथ ले गए हैं। कौन? कोई लोग खाली हम लोग के सामने पेश कर रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। सुनो एक बात बताइए, अरे बेटा तुम लोगों को जिसको मालूम है कि बता रहे थे तो साहब को बताइए, क्या क्या कमी है कोई बता सकती हो? मारा
बुला के ले गया सुबह से श्रीमान सिंह ने उसके मोबाइल पर कॉल किया है और कॉल करके बुलाया वहाँ पर पूजा मेडिकल स्टोर है वहाँ पर ठीक है। पूजा मेडिकल स्टोर में सभी लोग से आशिक था और एक किशन था और एक किशन और शिवम सिंह था, एक सर चार लोग थे उसको बुला कर दिए मारे हैं। उसके बाद पीछे उसके थोड़ा भाई गया उसके भी मारे सिपाही के संतू सिंह, किशन अग्रहरी, शहबाज खान, आसिफ खान, शिवम सिंह और 15 और अन्य लोग, 12-15 और अन्य लोग जो कि गोली और चाकू से वार किया। शिवम सिंह और किसान अग्रहरी फ़ोन करके हमारे मेरे भाई को बोले कि आओ, कुछ होगा नहीं, कोई है नहीं, आओ ऐसे। और सब दोनों लोग बुलाए उनको और बुलाने के बाद दोनों लोग वापस घेर लिए। उसके बाद किशन सिंह उनका पैर पकड़ के उठा लिया गोद में और बाकी सारे लोग जो 12-15 लोग थे सब लोग घेर करके लगे मारने। और पीछे से हम भी गए तो फिर हमारे भाई को सीधा गोली मार दिए और चाकू भी मार रहे थे और फिर हमें भी एक गोली मारे हाथ में और चाकू से किशन मेरे एक हाथ एक गट्टे पे चाकू से मार दिया है और हाथ बाजू को भी चाकू से मारा है और मनविंदर सिंह मेरे पेट में चाकू मारा है जो कि चाकू अंदर तक नहीं गया, वो तो चाकू उसके हाथ से छूट गया। मेरा नाम धर्मवीर है, मेरा घर भी परसंडी है, ये मेरे संजय जीजा हैं। अच्छा, और 10:30 बजे रात को इनको सब बुलाएं और बुलाने वाले हैं कृष्णा अग्रवाल, ठीक है ना, और हाँ और एक रमेश आशिक सिंह, एक शिवम सिंह और एक और ये गोली मारने सिंटू, गोली मारने वाले एक यहाँ पे गोली लगी है दाएं वाले कंधे पे और यहाँ पे लगी है और एक यहाँ पे लगी है और एक हाथ में लगी है और उनका एक छोटा भाई है और उसके हाथ पे गोली लगी और पूरा चक्कू से ऐसे नस काट दिए हैं, उनकी नसें फट गई है सर। और यहाँ पे और ये दो लोग घायल हैं सर और घायलों का नाम है संजय जो गुजर गए हैं और उनके भाई धनंजय सर घायल है रसीद इसमें। कल रात में 9 से 10 बजे के बीच में बेलघाट कस्बे में दो भाई हैं संजय और रंजय, इनको कुछ लोगों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया, जानलेवा हमला किया इनपे। तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे और उन्होंने इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर हो गई। जिला अस्पताल में संजय की मृत्यु हो गई, संजय का उपचार आज भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मृतक जो संजय हैं, इनके साले ने उस समय चूंकि इनके घायल होने की ही बात थी तो घायल होने की तरह दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने 307 IPC और 325 SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था चार लोगों के विरुद्ध जिनका उन्होंने नाम दिया था। लेकिन रात में जैसे ही उनकी मृत्यु की सूचना आई पुलिस ने मामले को 302 IPC में भी अल्टर कर दिया और अब 302 IPC, 302, 307 IPC और 305 SC/ST एक्ट में विवेचना हो रही है। विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से होती है, इस नाते क्षेत्राधिकारी गोला इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। परिजनों में कुछ चीजों को लेकर आक्रोश था और डेड बॉडी आने के बाद भी थोड़ा बहुत जैसा होता है उनका आक्रोश भी था, रुदन भी था और सब सारी चीजों के बाद अंततः 100 उनके पिता और परिवार के कुछ लोग ले जा करके बेलघाट में इस समय उसका अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं और फिलहाल अब कस्बे में शांति है। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दिया है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 72 घंटे के भीतर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम कर लेंगे और उनके विरुद्ध विधिक दायरे में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और जो पीड़ित पक्ष है इनको जो भी शासकीय दायरे में इनकी आर्थिक सहायता हो सकती है वो सारी अतिशीघ्र की जाएगी।
सर, इसके बैकग्राउंड में क्या है पूरे घटनाक्रम के? बैकग्राउंड में देखिए, ये मुलजिम और मुद्दई दोनों मित्र हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी जो अब तक खंगाला है, तो दिन में भी इनकी टेलीफोन से बात हुई, सर्वे में भी ये साथ साथ उठते बैठते थे, और घटना से पहले भी थोड़ी देर पहले ये लोग आपस में उठे बैठे थे। और जो मुलजिम है, उसी के फोन पर मृतक अपने घर से निकला, पीछे पीछे उसका भाई भी आया। तो मित्रता न होती तो वो क्यों आते? लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उससे ये लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ, बुलाया गया और उसके साथ फिर उसे जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई और भाई भी गंभीर रूप से घायल। ये सर पॉलिटिकल एंगल भी कुछ है क्या इसमें, जैसे कि राजनीतिक? पॉलिटिकल एंगल उनका ये धारणा था बीडीसी के चुनाव को लेकर के, लेकिन ये बीडीसी का चुनाव का प्रत्याशी था बट चुनाव उसने लड़ा नहीं था, और जो एक मुलजिम है वो भी प्रत्याशी था, वो भी नहीं लड़ा था। उसका कहना था कि वो इस बात को लेकर के थोड़ा नाराज थे कि मैंने अपना नाम वापस बिना उनकी राय परामर्श के क्यों ले लिया।